सुन रहे हो भाई, खतरनाक आवाज है। रास्ते में मनाली के एक भाई कुछ ऐसे चेक करने के लिए मिल जाएंगे। नाउ वी आर एट अटल टनल रोहतांग। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चलाल। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम लोग चलाल से कहाँ नीचे ऊपर है नीचे। सो गाइस, यहाँ से हम निकल चुके हैं चलाल से ट्रैक करते हुए नीचे, जहाँ से हमको जाना है मनाली टू जिस्पा, जिस्पा के दादे तक केलोंग, जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे और आपको वीडियो में एक एक चीज़ दिखाएंगे हम लोग। नीचे आओ। सो भाई, अभी हो रहे हैं करीब, कितना टाइम हो रहा होगा भाई? भाई 6:30 हो रहे हैं। 6:30 हो रहे हैं भाई, करीब 6:30 हो गए हैं और मौसम देखो साफ हो चुका है पूरा। बिकॉज रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी ठंड बढ़ गई। और पार्वती रिवर जिसने भाई लोग है ना रोंगटे खड़े कर दिए, पार्वती रिवर ने सीन ही हुआ। पार्वती रिवर का इतना पानी, इतना वाटर लेवल इतना बढ़ चुका है ना कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे कि ऊपर तक आ रहा है, मतलब पुल तक आ रहा है जहाँ से हम आए थे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं केलोंग। केलोंग जाके देखते हैं गाइस क्या चीज़ है, क्योंकि मज़ा वहाँ पे बहुत आने वाला है। और स्टार्ट हो चुकी है हमारी ट्रैकिंग, हमारी जर्नी पार्वती रैली। भाई चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये देख सकते हो पार्वती वैली कितने उफान पर है। रात को इसका लेवल ना डबल हो गया था। सुन रहे हो भाई, खतरनाक आवाज भाई, पूरा फायर जबर बह रहा है। बहुत गंदा पानी भाई, बहुत ज़्यादा पानी। जिंदगी में कभी इतना पानी नहीं देखा मैंने, ऐसा बहता हुआ। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कसोल से थोड़ा नीचे। अब नीचे आने के बाद ना यहाँ पर देख रहे हो नींद भरी पड़ी है। नाश्ता करेंगे ये जो भी ढाबा मिला है, क्योंकि देखो रास्ते में जब भी आओगे ना ऐसे कोई ढाबे मिलते हैं वहीं पर आप लोगों को आना पड़ता है। सो अभी ढाबे पे हैं, थोड़ा सा खाते हैं। खाने के बाद हम लोग निकलने वाले हैं मनाली के लिए। मनाली पहुँचने के बाद दिखाऊँगा मनाली का थोड़ा बीच में रास्ता भी दिखाऊँगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो लोग आ रहे हैं उनको दिखा देता हूँ कि कैसे जाना है आप लोगों को। सो अभी हम ना अपनी गाड़ी से निकलने वाले हैं। ठीक है, मनाली पहुँच के दिखाता हूँ व्यू कैसा है। भाई ब्राउन पे देखो भाई, भाई क्या चार ये परौंठे अपने भाई। सो गाइज, चाय पी ली, थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। अब निकलने वाले हम यहाँ से सीधा मनाली। एंड आके देख रहे हो, मतलब रात भर सोए नहीं है, पार्टी कर रहे थे। इस ढाबे की चाय बड़ी प्यारी है, चाय और परौंठे बहुत प्यारे है भाई। अब बोलो। सो गाइज, यहाँ से हम निकलने वाले मनाली। मनाली से निकले जिस्पा, जहाँ भी जाएंगे आग लगा देंगे गाइस। सो चलते हैं, देखते हैं। जय माता दी। रास्ते में मनाली के एक भाई कुछ ऐसे चेक करने के लिए मिल जाएंगे गाड़ियों में। मास्क पहन के चलना चाहिए भाई, मास्क पहन के चलो भाई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। दूसरी चीज़ है गाड़ी चेक करते हैं भाई, गाड़ी में कुछ है तो नहीं ऐसी वैसी चीज़ है भाई, गाड़ी नंबर होगा ना, सब चेक करते हैं भाई, पूरा चेक करके चलते हैं। वी आर एट मनाली रेट नाउ और यहाँ का कुछ वेदर आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा वेदर हो रहा है अभी पहुँचे भाई। देखो बर्फ तो है भाई, बर्फ भी अच्छी खासी हो रही है। आप पूजा करते हैं भाई? एक मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को, एक मटर को बीच में शिव जी का। कहाँ पे? ये देखो भाई, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। सर पे भाई, ये यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। हम लोग आ चुके हैं अभी सोलांग वैली, और व्यू देखो भाई, पहाड़ों पे बर्फ देखो, ये देखो बर्फ देख रहे हो पहाड़ों पे, गजब मौसम भाई। नाउ वी आर एट अटल टनल रोहतांग।
और यहाँ से आगे जो जर्नी होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की होने वाली है। भाई लोगों चेकिंग स्टार्ट हो गई अपनी, और व्यू देखो भाई, देख सकते हो व्यू कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। गाइस वेलकम फ्रॉम शिशु। सो गाइस यहाँ का आपको ना एक बार देख लो बस, मतलब दिल खुश हो जाएगा। ये देखो व्यू देखो यहाँ का। अभी हम शिशु पे हैं तो देखते हैं रोहतांग पास अभी खुला है नहीं खुला, आई थिंक बंद है, बट यहाँ का जो व्यू है ना गाइस, एक बार व्यू दिखाता हूँ। व्यू देखो, ये देखिए व्यू, ये भाई रिवर बह रहा है छोटा सा एक, और ये देखो इतनी पीसफुल जगह आपको कहीं देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस एक चीज़ हो गई है, आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे रहता है रोहतांग बंद, सो इसलिए हम लोग अभी जिस्पा जाएंगे और शिशु जाने वाले हैं, वहाँ का व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, व्यू देखने के बारे में। सो नाउ गाइस अभी हम लोग मनाली से आए हैं, शिशु हो जाए स्टार्ट गिर जा। शिशु मैंने सोचा हम लोग पहले स्टे करेंगे यहाँ पे, शिशु स्टे करके आफ्टर दैट हम लोग निकलेंगे यहाँ से केलोंग के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमने कैंप लिया, कैंप कुछ इस टाइप है, ये देखो ये आप लोगों को रिवर साइड कैंप मिल जाएंगे, रिवर साइड कैंप लिए हम लोगों ने। और इसका एक चीप तरीका बताऊँगा कि रिवर साइड बहुत से लोग सोचते हैं कि जाते नहीं है कि बहुत पैसे लग जाएंगे, बट एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को जिससे आपको बहुत सस्ते में, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो बहुत सस्ते हमको टेंट मिल जाएगा। तो पहले टेंट देखो आप, ये देखो ये एक टेंट है, ये दूसरा टेंट है, और पीछे रिवर है, और इधर की साइड दिखा देता हूँ। देखो एक हमें ये टेंट मिल जाएगा, ये वॉशरूम है, ये आपको वॉशरूम है, ये एक और टेंट है, सामने रिवर है, और देखो ये टेंट है। सो हमने जो लिया है वो एक वो लिया है और एक दूसरा लिया साइड वाला। अब कैंप दिखा देता हूँ आप लोगों को, कैंप कैसे हैं यहाँ के। तो भाई देखो ऐसे खोल देते हैं, क्या हो गया, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। भाई देखो कुछ ऐसे कैंप मिल जाएगा आप लोगों को, ये गद्दे हैं, रजाई पूरी दे रखी है, ये कुर्सी अपने चिल करने के लिए, और दूसरा कैंप हमारा है। भाई कैंप खोल ले, एज यू कैन सी कंबल रजाई, ज़्यादा ठंड की वजह से कंबल रजाई सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, देख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात व्यू देख लो, शिशु है ये, और यहाँ से व्यू देखो, ये ग्लेशियर है ऊपर, अगर आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ बर्फ़ पड़ रही है, ये देखो ये ग्लेशियर है, यहाँ बर्फ़ पड़ रही है, और वेदर देखो कितना खूबसूरत वेदर है, और ग्लेशियर देखना चाहोगे और तो ये देखो, सारा ग्लेशियर है, और ये हमारी रिवर है, रिवर साइड हमने कैंप लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैंप इतना सस्ते कैसे मिले हम लोगों को। सो गाइस देखो कैंप इसलिए सस्ते मिले कि अगर आप कभी भी ग्रुप में आओ, आप लोग अगर 5 बंदे हो तो आप बोलो कि हमें एक कैंप चाहिए, या फिर आप बताओ पर पर्सन कितने रुपए लोगे। अगर ये बोलोगे आप कि हमें 2 कैंप चाहिए या कैंप चाहिए, तो बोलेगा एक कैंप के आपको लगेंगे 1500 रुपये, ठीक है। 5 बंदे हैं 1500 यानी 300 रुपये पर बंदा, ठीक है, वो आपको कॉस्टली पड़ जाएगा। अगर आपको पैसा बचाना है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बोलना है कि हमें पर पर्सन बताओ आप कितने रुपये दोगे। तो अगर वो बोलता है कि पर पर्सन मैं आपको 300 रुपये दूंगा, तो बोल देना 300 नहीं पर पर्सन 200 रुपये देंगे, 200 की यानी एक बंदे के 200 रुपये, 5 बंदों के 1000 रुपये। तो 1000 में आपको ये इजीली टेंट ऐसे दे देंगे, सो इससे ये होगा ना आपका पैसा बचेगा। और पहली चीज़ बता दूँ, जब भी रिवर साइड कैंप लोगे बहुत महंगे मिलते हैं, बट बार्गेनिंग करने वाला बंदा होना चाहिए, हमने बार्गेनिंग करी है, हम लोगों ने 7 बंदों ने 200 रुपये दे के 2 टेंट लिए 1400 रुपये में, मान रहे हो 1400 रुपये में 2 टेंट मिले हैं। अगर आप 5 बंदे हो तो आपको 1000 रुपये एक टेंट मिलेगा फिर, ठीक है, क्योंकि अलाउड नहीं होते, पर फिर भी आप लोग पैसा दे के कर सकते हो। हम 7 बंदे हैं, हम लोगों ने 2 टेंट लिए इस वैसे, ठीक है। सो ये चीज़ हो जाती है। बाकी गाइस अगर आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट जो वीडियो होने वाली है, अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं केलोंग, केलोंग में आपको दिखाऊंगा कैसा वेदर है, क्यों इतना फेमस है केलोंग, क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ की, और क्यों वो इतना फेमस है, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग चलेंगे यहाँ से फिर अपना रोहतांग पास। भाई क्योंकि सांस फूल रहे हैं मेरी, क्योंकि अभी पता क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, मनाली से ऊपर है ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ठीक है। तो मैं बोल रहा था हम लोग यहाँ से फिर केलोंग से रिटर्न होके हम लोग जाएंगे यहाँ से रोहतांग पास। रोहतांग पास में आपको सारा व्यू दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट व्लॉग आएगा, और केलोंग का भी नेक्स्ट व्लॉग आएगा, ठीक है। सो जो ये वीडियो देख रहे हो वो लोग केलोंग की वीडियो भी जरूर देखना और रोहतांग की वीडियो देखना। बाकी ऑल सेट है भाई, कुछ कहना चाहोगे ठंड के बारे में? ठंड बहुत हो रही है गाइस, बस इंजॉय करना और मौज लेना, ठंड की फिक्र मत करो, फ्रेंड्स होते तो मज़ा ही आता है। बस भाई देखो सिंपल सी बात है,
ठंड तो देखो, अगर यहाँ पे ठंड नहीं लगी तो मज़ा क्या है फिर? अगर ऐसी जगह पे आके आपको ठंड फील ही नहीं हो रही है तो फिर मज़ा क्या है? बाकी रोहतांग बाद चलेंगे ना, वो व्लॉग बड़ा शानदार होने वाला है, तो वो व्लॉग देखना बिल्कुल भी मत।